हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दो तरीके की सब्ज़ी। पहले हम बनाएंगे चने की सब्ज़ी, उसके बाद बनाएंगे सोयाबीन की सब्ज़ी अलग तरीके से। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, इसमें जीरा डालेंगे। अब इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का भुनेंगे। हमारा हल्का भुन चुका है, इसमें लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। इसमें पिसा हुआ टमाटर डाल देंगे। अब इसमें नमक डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, हल्दी डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे। अब इसको पानी डालकर पकाएंगे तेल छोड़ने तक। इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे क्रश करके। मसाला हमारा पक चुका है, इसमें भीगे हुए चने और कटे हुए आलू डाल देंगे और अब इसको पकाएंगे 15-20 मिनट तक। सब्जी को थोड़ा भून के पानी डाल देंगे। अब इसको ढक के पकाएंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी पक चुकी है। लीजिए, हमारी रसेदार सब्जी तैयार है। लीजिए, हमारी टेस्टी चटपटी चने और आलू की सब्जी तैयार है। अब चलते हैं, सोयाबीन की सब्जी बनाते हैं। कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, सोयाबीन तलेंगे लाल होने तक। सोयाबीन हमारी तल चुकी है, अब इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में से निकाल लेंगे। अब तेल में जीरा और तेज पत्ता डालेंगे। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ प्याज डाल देंगे।
अब इसको हल्का भुनेंगे लाल होने तक। प्याज हमारा भुन चुका है, अब इसमें अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें टमाटर डाल देंगे पिसा हुआ। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है, अब यहाँ पे धीमी आंच करके छोटी कटोरी दही डालेंगे इसमें। इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे और मसाला भुनेंगे, नहीं तो दही हमारी फट जाएगी मसाले में। अब इसमें पानी डालेंगे और इस ग्रेवी को थोड़ा देर पकाएंगे। ग्रेवी हमारी पक चुकी है, इसमें सोयाबीन और आलू डाल देंगे। इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे क्रश करके। अब इसमें पानी डाल के ढक देंगे और 10 मिनट तक पकाएंगे सब्जी को। दस मिनट हो चुके हैं, सब्जी हमारी पक चुकी है। देखिए हमारी सब्जी कितनी टेस्टी और चटपटी लग रही है। जी हमारी टेस्टी चटपटी सब्जी तैयार है सोयाबीन और आलू की। तो सब्जियों की रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।